राजधानी बेंगलुरु से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एक पुलिसकर्मी को दिव्यांग महिला से मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उक्त पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना 24 जनवरी की है और 29 जनवरी को पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात इस पुलिसकर्मी की ड्यूटी टाउन हॉल के पास नो पार्किंग एरिया में लगी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नो पार्किंग एरिया में उस महिला की गाड़ी खड़ी थी। पुलिसकर्मी महिला की गाड़ी को उठवा रहे थे, इसी दौरान उस दिव्यांग महिला और पुलिसकर्मी के बीच बहस शुरू हो गई। बाद में दिव्यांग महिला ने अचानक से पुलिस अधिकारी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके चलते असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को चोट आ गई। फिर गुस्से से आग बबूला होकर पुलिस अधिकारी ने उस दिव्यांग महिला को लाते मारी। 2 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस अधिकारी उस दिव्यांग महिला को गुस्से में लात मार रहा है। जब वो खड़ी होती है तो वो उसे उसके बालों से खींचते हुए फिर मारता है और वो फिर जमीन पर गिर जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।